जॉब एजुकेशन में आपका स्वागत है। ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में वेलकम। हम आज बात करेंगे कुछ नए ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके गूगल एडसेंस और यूट्यूब करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वह जानना भी ज़रूरी है। इनवैलिड क्लिक, जिसे हम बोलते हैं इनवैलिड क्लिक। इनवैलिड क्लिक क्या है? अक्सर लोग यह गलतियां करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, उनका अकाउंट बंद हो जाता है। जो भी उनकी आमदनी हुई होती है, वह गूगल एडसेंस और यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वह जब्त हो जाती है और सारा मेहनत आपका चला जाता है। आज हम बात करेंगे इनवैलिड क्लिक के लिए जिम्मेदार कौन है, इनवैलिड क्लिक कब आता है और इसके सख्त नियम क्या हैं। इनवैलिड क्लिक आने से क्या क्या हो सकता है, यदि इनवैलिड क्लिक है तो क्या करना है आपको। इनवैलिड क्लिक भूल कर भी यह गलती न करें, क्योंकि एक गलती आपके करियर को समाप्त कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। जो आप YouTube से बना रहे हैं, जो अपना करियर YouTube से अगर आपने जोड़ कर रखा है, तो भूल कर भी इस गलती को न करें, क्योंकि सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, अकाउंट आपका बगैर किसी नोटिस का सस्पेंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इनवैलिड क्लिक के लिए गूगल एडसेंस ने बहुत ही सख्त नियम बनाए हुए हैं। इन एक नियम के अंतर्गत अगर आपने इस तरह के एक्टिविटीज़ किया और एल्गोरिदम आपको पकड़ लिया, आपको एक्सपोज किया, आपकी नेगेटिविटीज़ को स्टोर कर दिया, तो निश्चित रूप से फिर आपके अकाउंट को कोई भी नहीं बचा पाएगा, चाहे आप कोई भी टिप्स अपनाते रहिए या ट्रिक्स अपनाते रहिए। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। इनवैलिड क्लिक क्या होता है, ये अब हम जान लेते हैं। इनवैलिड क्लिक, यदि आपका चैनल पे ऐड आ रहा है, वीडियोस पे ऐड आ रहे हैं या आपके वेबसाइट पे ऐड आ रहा है, तो उस ऐड पर जब आप खुद क्लिक करते हैं या किसी व्यक्ति से क्लिक करने के लिए कहते हैं और लगातार आपके ही चैनल पे, आप ही के वेबसाइट पे लगातार क्लिकिंग होती है, उसे हम इनवैलिड क्लिक कहते हैं। इनवैलिड क्लिक कब आता है और इसके सख्त नियम हैं। इनवैलिड क्लिक सीधी सी बात है, जब या तो खुद करिए। अब ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम अपने कंप्यूटर से नहीं करेंगे, कि अगर हम करते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस ट्रेस होता है। लेकिन यदि हम कहीं और, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से हम करवाएं, तो देखिए, करवाने से अगर ऐसा ही होता तो सभी लोग कर पाते। अगर कहीं भी, अगर मुंबई से भी आपके चैनल पे लगातार क्लिक हो रहा है, लगातार क्लिक हो रहा है, तो निश्चित रूप से गूगल एडसेंस उसके लिए आपको ही जिम्मेदार मानेगा और आपके अकाउंट को क्लोज कर देगा, क्योंकि यहाँ गूगल एडसेंस अपने एडवर्टाइज़र को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, आपको कोई महत्व नहीं देता। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उसको पता भी चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो जितनी भी अर्निंग आपकी हुई है या उसके पैसे आपको मिले हैं, वो सारे पैसे उन एडवर्टाइज़र को वापस चले जाते हैं और आपके पास जीरो बचता है, और आपको पनिशमेंट क्या मिलता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, मोनेटाइजेशन डिजेबल हो जाता है। यदि इनवैलिड क्लिक आ रहा है और आप नहीं कर रहे, कई बार कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं कि आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके कुछ हेटर्स इसका काम कर रहे हैं या कोई इंटेंशन बस कर रहा है, तो इसके लिए सीधी सी बात क्या है, तत्काल आप अपना मोनेटाइजेशन बंद कर दीजिए। और जैसे ही आप अपना मोनेटाइजेशन बंद करेंगे, कुछ देर के लिए वेट करिए, आपका CTR जो है मैनेज हो जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी करे। लेकिन इस बात को भी वो समझ जाता है एल्गोरिदम, कि आप करवा रहे हैं या कोई और करवा रहे हैं। यदि आपने देखा कि हमारा इनवैलिड क्लिक बढ़ रहा है, हमारी आय बढ़ती जा रही है और लगातार हमारा CTR बहुत हाई जा रहा है, तो तत्काल आपको क्या करना चाहिए, अपने चैनल को का मोनेटाइजेशन कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए और फिर आप उसे चालू कर सकते हैं। ठीक है, इनवैलिड क्लिक अगर होता है तो इसके लिए आप फीडबैक भी दे सकते हैं YouTube को और एडसेंस को, ये बता सकते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति हमारे चैनल पे लगातार क्लिक कर रहा है। जैसे इसकी सूचना देंगे, तत्काल YouTube और एडसेंस इस गलती को पकड़ने में लग जाता है और उसको पहले से भी पता होता है, इससे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने फीडबैक नहीं दिया या कुछ इस तरह का कार्य नहीं किया या फिर बंद नहीं किया, तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड होना ही है, उसे
कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम गूगल एडसेंस का जितना भी वर्क है, यूट्यूब का वर्क है, वो टोटल एल्गोरिथम पे काम चलता है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारी एक एक गतिविधियों को वह नज़र रखता है, वह पकड़ सकता है। तो इनवैलिड क्लिक गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए एक ऐसा खतरे की घंटी है जो कभी भी आपका अकाउंट पूरी तरह से बंद कर देगा। और दूसरी बात, गूगल एड्स एक आदमी के नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट एक बार ही बनता है। अगर एक बार आपका अकाउंट ओपन हुआ और बंद हुआ तो फिर फ्यूचर में आप कभी भी उस नेम से अकाउंट नहीं ले सकते हैं उस अकाउंट नंबर पे, क्योंकि जैसे ही आप लेंगे तो वो आपकी बैड एक्टिविटीज़ में या नेगेटिविटी एक्टिविटीज में उसे वह एक्सपोज कर लॉक कर देता है, कभी भी दूसरा अकाउंट नहीं देगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप काम करें, अगर कर रहे हैं, तो इनवैलिड क्लिक, कॉपीराइट, इन दो चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ बने रहिए। ऑनलाइन जॉब एजुकेशन आपको ऑनलाइन यूट्यूब ट्यूटोरियल, SEO यूट्यूब ट्यूटोरियल, जॉब एंड सैलरी, ऑनलाइन अर्न मनी, जॉब एंड जॉब इंटरव्यू, गवर्नमेंट जॉब एंड प्रिपरेशन और सम टेक्निकल पॉइंट्स आपको हमेशा देता रहता है, बताता रहता है कि आप अपने चैनल को किस तरह से ग्रो करें, किस तरह से आप अच्छे तरीक़ों से एक नंबर के रास्ते से आप आगे बढ़ें तो शायद बेहतर होगा। उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे, तो आपको बचना है क्या, इनवैलिड क्लिक से। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप इनवैलिड क्लिक से ज़रूर बचिए, अगर आपको गूगल एडसेंस बचाना है तो। अदरवाइज नहीं बचाना है तो फिर जम के क्लिक करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लर्निंग।